आगे छोड़ दो। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आ चुका मैंने कौन न्यू वीडियो के साथ वापस। और आप लोग को तो पता है तुम्हारे भाई को, मतलब कि कल जो गेम प्ले तुम्हारे भाई ने डाला था उसको देख के आप लोग को आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। तो वही आज वैसा ही गेम प्ले मैं आज भी सोचा कि ट्राई करूं। तो आप लोग को पता है टॉप 100 के लिए पुश कर रहा हूं और मेरे टीममेट का करवा रहा हूं। कौन कर रहा? तो आज भी तुम्हारा भाई फुल बूम बम मचाने वाला और सीजन भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है तो उसका भी ध्यान में रखना पड़ेगा पूरा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे पहले लूट वूट करते हैं अपन सबसे पहले, और यहाँ पे गाड़ी वाड़ी मंगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिकॉल लेने के बाद इस साइड में आते हैं हम लोग बागड़ बिल्ला वगैरह लेके, क्योंकि यहाँ पे एक बंदे ने मतलब दो बंदे लेते हैं यहाँ पे जो फ्लेयर विलेयर चला के यहाँ पे कैम कैम करते रहते। देखो मैं यहाँ पे सीधा बागड़ बिल्ला लेके जाता हूँ घुस के मारने के लिए। यहाँ पे थोड़ा मैंने हक देता बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे सबसे पहले भगाता हुआ जाता हूँ बागड़ बिल्ला। और यहाँ पे ये भाई ये बागड़ बिल्ला मेरे से स्टॉप ही नहीं होता है। अब यहाँ पे जम करके ले जाता हूँ यार, स्कॉट हाउस पर रुक जाऊँगा, लेकिन यार स्टॉप ही नहीं होता। तो यहाँ पे बंदे रहते दोनों, मुझे लगा एक ही बंदा यार सामने तरफ से मेरे को हल्का सा फुस्टे पाटा था कि भाई सामने वाले घर में चला गया, देखो वहाँ पे चला गया मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये बंदा इधर ही बैठ रहा था, मुझे 1% भी पता नहीं था। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मोली कुक करता हूँ और उसमें कमरे में मोली डाल देता हूँ, लेकिन ये बंदा यहीं से निकलता मुझे 1% भी पता नहीं था। मतलब भाई सब ये कैसे, मतलब भाई मेरा टीममेट ने इसको नॉक कर दिया। मतलब भाई एकदम पूरा हार्ट अटैक आ चुका था, मतलब कि ये बंदा यहीं से निकला भाई एकदम मुंह के पास से। उसके बाद यहाँ पे मैं मेडकिट मारता हूँ, मेरा टीममेट यहाँ पे ऊपर की तरफ चढ़ता है और दूसरे वाले को भी निपटा देता, क्योंकि M249 चला रहा था मेरा टीममेट बहुत खतरनाक वाला। मैं फटाफट से यहाँ पे मेडकिट मारूंगा और चलेंगे अपन दूसरे बंदों को मारने के लिए, क्योंकि भाई किल चाहिए। और यहाँ पे जो हम दूसरी जगह जाने वाले हैं वहाँ पे भाई पूरा मैच वहीं पे निकलने वाला है, मतलब जितना भी है 10 मिनट का मैच है पूरा वहीं पे जाने वाला है। तो हम लोग फटाफट से यहाँ पे गाड़ी लेते हो, गाड़ी लेते सीधा चल जाते हैं हम लोग स्कूल अपार्टमेंट की तरफ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं यार स्कूल पे मतलब गाड़ी वाड़ी लगी हुई कूपो, चलो भाई उधर जाके अपन बजाते बंदे बंदों को, क्योंकि अपन को चाहिए किल विल और चाहिए थोड़े प्लस। क्योंकि किल करूंगा तो भाई प्लस होंगे, मतलब चिकन डिनर निकलेगा, चिकन डिनर निकलेगा तो अच्छे खासे प्लस होंगे। अगर हम लोग गाड़ी लेकर आ जाते हैं यहाँ पे बंदे बंदे देखने के लिए, तभी आप देखता हूँ भाई स्मोक स्मोक होगा अच्छा खासा। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्पाइडर मारता हूँ ऊपर की तरफ आ जाता हूँ, आप देखो अंदर की तरफ जाएंगे सबसे पहले। और यहाँ पे भाई एक बंदा इतना गंदा गेम कर रहा है उसको तुम्हारे भाई ने क्या ही रिफ्लेक्स में दिया। चलो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलो बेटा निकल लो घर पे, अब इसको फटाफट से थोड़ी बहुत गुफ्तगू बातें मुलाकातें जज्बातें करता हूँ, अब इसको करूँगा पहले फिनिश। मैं फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरी टीम में बोलता भाई इसका दूसरा बंदा आ गया। मतलब कोई नहीं भाई, दोनों कान तो एक साथ ही बजाते हैं। यहाँ पे दूसरा वाला आता है और मेरे टीम ने मारा, लेकिन ये बोट निकलता है। मैंने बोला दूसरा वाला छत के ऊपर है, अब इसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ। तभी एक बंदा होता है पैराशूट खुलता है और हमारे छत पर उतरता है और वो बंदा सामने वाले बंदे को मार देता है। और सामने वाले बंदे को मारता है, हमारे छत पे एक ही बंदा रहता है। मैं नेट कैंसिल करता हूँ, ऊपर की तरफ आता हूँ मैं, तभी ना एक बंदा और मतलब इसका जो बंदा रहता है छत वाला, उसका बंदा रहता है ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ कूदता है, वो भी पैराशूट से। अब जैसे वो कूदता है मैं देखो भाई साहब मैं ड्रिंक मारा था वो दिख जाता है मेरे को। अब देखो वो बंदा मतलब कूदा था ना तो वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था, देखो उसको कैसे बजाते हैं। वो यहाँ पे उतर के मतलब हील वील करता रहता, देखो क्या ही पता था उसको भाई कोई बंदा गुरोजा लेके चढ़ जाएगा। अब इसको नॉक करता हूँ, थोड़ी सी भी गुफ्तगू बातें जज्बातें मुलाकातें करता हूँ, लेकिन बाद में ये फिनिश हो जाता है। उसके बाद मेरा टीममेट इसको तड़पा तड़पा के मार ही देता। मैं सोचता हूँ यार उसका टीममेट मतलब ऊपर से नीचे की तरफ उतरेगा, लेकिन वो उतरता नहीं। बाद में मेरा टीममेट इसको कर देता फिनिश। अब फिनिश करने के बाद ना मैं इधर से निकल लेता हूँ ऊपर की तरफ, मैं देखता चलो भाई अब जाके बंदे बंदे मारते। लेकिन ऊपर वाले बंदे को पीछे वाले ने M4 वाले ने निपटा दिया था, तो हम लोग आ जाते बीच वाले मतलब यहाँ पे आ जाते ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे क्या होता सीन ऐसा था कि यहाँ पर बंदे बंदे हमारे ऊपर कर देते पुश, दो भी दो दो बंदे। अब यहाँ पे गाड़ी वाड़ी ला के अपार्टमेंट वाले दो बंदे रहते हमारे पे कर देते पुश। अब पुश करने के बाद मैं यहाँ पे लेते रहता हूँ TPP। अब टीपी भी लेता तो सामने से दो दो बंदे आ रहे हैं, लोग कोई बात नहीं भाई अपन इजीली निपटा देंगे। बंदा भाई सामने से खड़ा होकर भाई नेट करता है, ये नेट हमारे पास आता नहीं, थोड़ा आगे गिर जाता है। अब उसको एक बंदा और खुले में आके नेट करता, देखो कैसे बजाते हैं। यहाँ पे तुम्हारा भाई ने नेट से नोक हो गया, लेकिन उसको नोक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इस नेट से मैं नोक हो गया, अगर मैं डैमेज नहीं खाता तो नोक नहीं होता। मतलब अब देखो मेरा टीममेट यहाँ पे जाता गन लेके, मैं बोलता भाई वन वन ले लो, अगर ले लिया तो ठीक है, वरना रिकॉल भी बंद होने वाला है। एक मेरा टीममेट भाई इजीली मतलब लास्ट टाइम पे ले लिया वन वन, और बता रिकॉल भी बंद होने वाला था। उसके बाद उसको नोक फिनिश करने के बाद मैं बोलता पहले आप हील कर लो, उसके बाद मेरे को रिवाइव करो, क्योंकि मेरे टीममेट की भी हीलिंग बहुत ज़्यादा कम थी। उसको फटाफट से मेरे को यहाँ पे रिवाइव करेंगे, क्योंकि रिवाइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फलाना चलान निधिम का। अब यहाँ पे जो बंदे लोग इतने ज़्यादा आने वाले हैं, मतलब गाड़ियाँ भर भर के आने वाली, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कीम स्कीम भी होने की बहुत ज़्यादा मतलब संभावना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत सारे बंदे बंदे भी आ जाएंगे और बहुत गलत वाला हम लोग यहाँ पे क्या ही रिवाइव करते क्या ही बचते हैं, वो भी बहुत भारी सीन होने वाला है, क्योंकि मेरे से ओम पड़ने वाला है वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मेडकिट मारता हूँ, मेडकिट मारने के बाद यहाँ पे मतलब गाड़ी वाले कर देते थोड़े से पुश लो। तो सबसे पहले इनकी पेटी वेटी लूटेंगे, वो पुश पुश करें उससे पहले अपन कर लेते हैं यहाँ पे लूटिंग वोटिंग, क्योंकि तुम्हारे भाई के सर पे हेलमेट हेलमेट नहीं था, तो हेलमेट हेलमेट शो उसे मंगाने के बाद लेवल 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आके थोड़े सोचता हूँ कि आराम आराम कर लिया जाए, तभी यहाँ पे पता चलता भाई यहाँ पे तो ड्रॉप ड्रॉप गिरा बंदे बंदे आए यहाँ पे, तो भाई ये सब बंदे लोग कहाँ से आ गए यार, क्योंकि यार अभी तो टाइम भी नहीं लग रहा है। तो भाई मेरे पास नेट वेट है, तभी ये क्या करता है स्पाइडर यूज़ करके ऊपर की तरफ चला जाता है। अब मेरे पास जितने भी नेट है भाई मैं करूँगा यहाँ पे सारे नेट, क्योंकि 5 मिनट उठाता 2 नेट तो पहले यूज़ कर लिया था मैंने, तो यहाँ पे कुछ मेरे पास 3 नेट बचे हुए थे, तो मैं तीनों नेट करने की ट्राई करूँगा। मैं देखता यार नेट ऊपर की तरफ जा नहीं रहा यार ये, लेकिन मेरे टीममेट ने मतलब मेरे टीममेट का नेट तो पता है यार, आप लोग सबको ही पता है कि प्रिंस भाई का नेट यार खाली नहीं जाता भाई, ग्रेनियर में यार कम से कम 40-50 भी बैठे हुए हैं मतलब पूरे एशिया में।
भाई ऐसा तो थोड़ी हो सकता है भाई। तभी हम लोग यहाँ पे लेट जाता मैं दोस्तों, चलो भाई कोई बात नहीं भाई, आप क्लियर हो गए थे। वो ऊपर की तरफ से हीरो वाले बंदे रहते जो गाड़ी लेके कर रहे थे पुष्कर के ऊपर की तरफ, जोन था नहीं क्योंकि नीचे ही जोन था, तो वो लोग इसलिए आ जाते हैं नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ आ जाते तो आप देखो इनकी भी कैसे सुताई होती। ये था ग्लेशियर वाले बंदे ने जो मतलब बहुत ज़्यादा पेटी वेटी बनाई थी, बहुत ज़्यादा चमकान करता था। तो यहाँ पे सबसे पहले नेट वेट करेंगे, जितने भी अपने पास नेट वेट है सब करने की ट्राई करेंगे और इसको भी निपटाने की ट्राई करेंगे। लेकिन वो लोग भी बंदे के पास नेट ही है तो वो लोग भी करेंगे। तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा नेट वेट करता हूँ मैं, लेकिन इतना कुछ होता नहीं भाई नेट वेट का फायदा वायदा सारा। अब यहाँ पर उन बंदों का भी नेट आता है जो मेरे मुँह के पास फूटता है बहुत गलत तरीके से। तो भाई करते हैं नेट, उसको पता था कि यार बंदा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं भी थोड़ा सा वो सोचना कि यार इनको फुस्टे फुस्टे भी नहीं आएगा। ये नेट अगर आता ना अंदर तो मैं नोखा भाई 100%। तो भाई यहाँ पे बंदे लोग नेट वेट करते हैं तो भाई इधर से अपन निकलते हैं भाई, कल्टी मारते हैं अपन, बाद में देखा जाएगा। पीछे तरफ आ रहे थे क्योंकि एक बंदा ने स्पाइडर यूज़ करके छत के ऊपर आ गया था। देखो वही बंदा था ग्लेशियर वाला जो बहुत ज़्यादा पेटी वेटी बनाया था। मैं कोई नहीं भाई, भाई तू जो स्पाइडर यूज़ करके आया तो तेरे को मैं बचा के रहूँगा। मैं सबसे पहले ऊपर की तरफ जाता हूँ और इसका बंदा ना मतलब ऐसे ही फायर करता रहता है। अभी यहाँ पे ये बंदा यहीं पे खड़ा रहता तो फ्री फायर देता है M4 का, नहीं तो कोई बात नहीं उस साइड से जाता मार। उसको भी फुस्टे मारे तो वो उस साइड से आता, वो थोड़ा मुझे लग रहा था भाई उसको पता नहीं था मेरे हाथ में गुरु जाता। देखो उसके साथ क्या दवा नहीं लेता मेरे से, वो सीढ़ी में आके भाई टीपी पे लेता ना ऊपर से इजिली तेरी भैंस की टाट। अब इसको ग्रो जैसे नो करता हूँ, तुरंत करता हूँ इसको फिनिश। साला ये ग्लेशियर वाला ना मतलब बहुत बेटी बनाया था बहुत बंदों की, तो इसको फटाफट से तुम्हारा भाई निपटा दिया, इजीली मारा हूँ इसको। तो इसको मारे मैं फटाफट से थोड़ी बहुत और लूट लूट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ना एक बंदर था, इसका दूसरा बंदा जो नीचे की तरफ ही रहता है। आप देखो मेरे टीममेट के ऊपर नेट करने के लिए खुले मारा, उसको लगता है यार मैं के मैं मतलब इधर हुई नहीं, मतलब मेरा टीममेट छत पे चला गया। तो मैं देख सकता हूँ साला लास्ट जोन में कहाँ भागड़ भी जलता हुआ लेकर उधर उधर से डोल रहा। अब देखो ये बंदा यहाँ से बाहर निकलता मेरे टीममेट के नेट करने, तेरी भैंस की टाट। चलो निकलो लोबी फटाफट से। अब इसको मारते ही भाई मेरे टीममेट को पड़ने वाला है कि स्नाइपर बहुत गलत वाला, ये पड़ गया भाई M24 मेरे टीममेट को। और यहाँ पे गाड़ी जाती है तो मैं थोड़ा 30 स्प्रे देने की ट्राई करता हूँ जिससे कुछ होता होता है नहीं। यहाँ पे देख सकते हो भाई गाड़ी पे गाड़ी जा रही है। उसके बाद यहाँ देखते हैं चल भाई अपने टीममेट को रिवाइव करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा मसला बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था, चिकन तो हमारे हाथ में था क्योंकि भाई चिकन हमारे से कोई छीन नहीं सकता था, मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन कर ही लेता हूँ इसे भी। तो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने स्मोक स्मोक करने की ट्राई किया, कोई बात नहीं यार वो बंदे लोग को क्या ही दिखने वाला, वो ऊपर से क्या ही मार सकता है मेरे को। मैं फटाफट से ना मैं अपने टीममेट को यहाँ पर रिवाइव करने लगता हूँ क्योंकि ऊपर वाले बंदों की फाइट हो जाती है आपस में और वो बंदा ना मतलब मार देता सामने वाले बंदे को, एक बंदे को दोनों बंदे मिलकर मार देते। अब वहाँ पर दो बंदे रहते मतलब कोई बात नहीं यार अपने टीममेट को मार करता हूँ कि भाई एक बंदा इस पेड़ पे एक बंदा उस पेड़ पे। अब देख लेता मैं कि एक बंदा इस पेड़ पे आ गया और एक बंदा ऊपर वाले पेड़ पे, तो मैं मार करता हूँ कि एक बंदा वहाँ पर है एक बंदा वहाँ पे। तभी मेरे को भाई ओम पड़ा था, मेरे को बिल्कुल पता भी नहीं था, मतलब भाई ये क्या सीन है यार, लेवल तेरी तोड़ दिया उस बंदे ने मेरा, बताओ। यहाँ पे भाई एकदम इजीली था कि भाई मुझे लगा कि दिख भी नहीं रहता। देखो मेरे टीममेट यहाँ पे कितना इजीली बचाएगा मेरे को क्योंकि भाई पूरा स्मोक स्मोक भर देता मेरे टीममेट ने। यहाँ पे मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ तो भाई एक और स्मोक करो नहीं तो आपका भी हेलमेट वेलमेट ना तोड़ दे। क्योंकि बंदे लोग थोड़ा बहुत वो सोचते यार है कहाँ पे मारूँ कहाँ पे, लेकिन उनको भी जोन में आता ये भी उनके ऊपर टेंशन था और हमारे को भी जोन में जाना थोड़ा सा, लेकिन हमारे से पास था उनसे थोड़ा दूर था जोन। अब उनके साथ जो ऐसा सीन होने वाला बोले बहुत भारी सीन होने वाला है। तो मेरे टीममेट यहाँ पे बोलता भाई पूरा जिगल देता मुंडी का भाई पढ़ना नहीं चाहिए उसको गोली एक भी ओम का, ओम का पड़ गया तो भाई खत्म है तुम्हारा हेड तुम्हारा हेड पड़ गया। तो फटाफट से पीछे की तरफ आता मैं देखता हूँ यार यहाँ पे किसका लैपटॉप पड़ा, तो फटाफट से लैपटॉप यूज़ करेंगे अपन। Level 3 वेस्ट भी मिल गया यार इसके पास, तो मैं फटाफट से लैपटॉप लेता यहाँ पे पड़ा तो इसको उठा लेता हूँ फटाफट से लैपटॉप लगा लिया जाए फटाफट से। अब अब कंप्यूटर लगाने के बाद अब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, मतलब चलो भाई अब इन बंदों को जोन में जाना है, अब ये गाड़ी लेंगे तो अपन गाड़ी को पूरा फोड़ फाड़ देंगे। देखो अब इनके साथ कितना गंदा सीन होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले एमओ में उठाने के बाद मैं इस साइड में आता हूँ, अब देखो उनको कैसे बजाते हैं। अभी लोग बंदे यार क्या करते हैं गाड़ी लेके इधर से निकलने की ट्राई करते हैं, तो भाई जोन भी आने वाला है 8 सेकंड के अंदर जोन भी आएगा तो ये बंदे जोन में जाएंगे। अब लोग गाड़ी में बैठते हैं गाड़ी लेके निकलते हैं, देखो इनके साथ क्या सीन होता है भाई। इनके साथ होने वाली थर्ड पार्टी बहुत गलत वाली, ऊपर से गाड़ी आती है इनके ठुक जाती है। अब देखो इनको कैसे बजाते हैं वाला ड्राइवर, तो कूदिया पहले लेकिन सवारी नहीं कूदी। ड्राइवर को तो मैंने गाड़ी फोड़ के नोक कर दिया था, दूसरे वाले सवारी को मैंने इजीली मार दिया। यहाँ पे मेरे हो जाते 7 किल। अब यहाँ पे तुम्हारे भाई ने नोक भी दिया एक बंदे को लेकिन कुछ होने वाला है नहीं, 6 बंदे बचे हुए थे। यहाँ पे एक बंदे को इधर राइट वाले बंदे ने मतलब गाड़ी फोड़ मतलब निपटा दिया, वो अलग सोलो बंदा था। अब वहाँ पे जहाँ पे वो गाड़ी लेके गया था वहाँ पे भी एक बंदा सोलो था और ये 2 बंदे राइट में थे हमारे। तो मैं इधर फटाफट से जोन की तरफ निकल लेता हूँ, कोई बात नहीं भाई अपन यहाँ पे 2 बंदे ये दोनों बंदे उस पर ध्यान रख रहे हैं तो अपन इनको निपटा सकते हैं इजीली। तो इनमें से एक बंदा रहता भाई हमारे पे ध्यान देता नहीं, सीधा जाता भाई उनके ऊपर पुश करता था बागड़ बिल्ले लेके। अब बागड़ बिल्ले लेके पुश करता, देखो इसके साथ क्या सीन होने वाले, भले ही मेरे को किल नहीं मिलता लेकिन इसके साथ बहुत गलत सीन होने वाला है। अभी ये बजा के वहाँ पे बागड़ बिल्ले रोकता है और इधर से मैं देता हूँ और उधर वाला जो सामने वाला बंदर था वो उसको कर देता फिनिश। वो बंदे ने भाई मेरा किल चुरा लिया लेकिन दूसरे वाले को मेरे टीममेट ने मार दिया। अब जो ये लास्ट बंदा बचा हुआ था सोलो का मतलब सोलो बंदा बचा रहा था वो गाड़ी के पीछे रहता, उसके पास जोन भी नहीं रहता, वो वहाँ से फंस चुका था। मैं बोलता मेरे टीममेट को भाई बागड़ बिल्ला बन के जाऊँ और आगे जाकर उनसे रुक के और नेट वेट डाल देना बस मेरे कवर में रहना बस। अब दिक्कत की बात है कि मेरे M4 में भाई गोलियाँ बची नहीं, 16 गोली बची रहती है वो भी अब खाली होने वाली क्योंकि 2 बुलेट उसको गाड़ी के नीचे पड़ रही। तो मैं देखता चलो भाई और बजा दिया जाए तो यहाँ से जाके भाई खो जाती भाई M4 खाली होने। कोई बात नहीं आप गुरोजा ले लेते अपन हाथ में, मेरे टीममेट का यहाँ पर नेट आता पता नहीं क्या गिलेस उस बंदे के साथ इसी नेट में वो फूट जाता है।
पता नहीं क्या सीन था यार, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, शायद 1 HP था वो, तो इसने फूट गया। तो उसके बाद थोड़ा बहुत MVP तो बना हुआ था नहीं मैंने, और यहाँ पे देखते भाई प्लस कितना, बहुत अच्छे खासे 16-17 प्लस हो गए थे, 16 प्लस हुआ। बस फटाफट से अपन बाहर की तरफ चलता, अब देखते भाई रैंकिंग बढ़ी कि नहीं बढ़ी। कल थोड़ा सा 200 कुछ में था, लेकिन मैं आज शायद 100 के अंदर आ गया होगा, 100 के नहीं मतलब 200 के अंदर आ गया होगा, और कन्फर्म कल या परसों में 2 दिन में करके रहूँगा, 100 के अंदर आ ही जाऊँगा। तो उसकी दिक्कत की बात है, तो फटाफट से अपन रैंकिंग में देख लेते हैं कहाँ तक आ गया भाई। डुओ लगाओ फटाफट से, तो 189 मतलब 90, मतलब कल तो वापस से 200 आ जाऊँगा, तो बहुत अच्छे से ज़्यादा मैच खेल के प्लस करेंगे, ट्राई करेंगे संडे वाले दिन, और फटाफट से आ जाएंगे रैंकिंग के अंदर। तो यही था अच्छा गेम प्ले, तो आपको बताना आपको कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट कर देना, चैनल पिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द कल शाम 7 बजे और न्यू गेम प्ले के साथ, और आप लोग का धन्यवाद यार 1K करवाने के लिए। तो बहुत जल्दी मिलते कल का न्यू गेम प्ले के साथ, तब तक अब तब तक अपने ध्यान रखो, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय। इधर आ, कहाँ जा रहा, चैनल को सब्सक्राइब करके जा।